विविध कार्यक्रमों के बीच मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत बुधवार का दिन गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए बेहद खास होगा। इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चिड़ियाघर में 2.5 माह पूर्व लाई गई सफेद बाघिन व्हाइट टाइगर गीता को क्रॉल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ तेंदुओं के 2 बच्चों का नामकरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा व्हाइट टाइगर को मुख्य बाड़े में प्रवेश कराए जाने के साथ ही पर्यटक अब इसका दीदार भी कर सकेंगे। सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। गोरखपुर में चिड़ियाघर स्थापित करने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही है। मार्च 2021 को उन्होंने इसका लोकार्पण किया था। उनकी मंशा गोरखपुर चिड़ियाघर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान को देश का नायाब चिड़ियाघर बनाने की है। उनकी ही पहल पर उनके दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल में सरकार के 100 दिन की कार्य योजना में गोरखपुर चिड़ियाघर को व्हाइट टाइगर की सौगात देने का निर्णय लिया गया था। कार्य योजना पर अमल करते हुए 20 जून की रात गीता नाम की सफेद बाघिन को लखनऊ चिड़ियाघर से गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया। इस व्हाइट टाइगर को अनुकूलन के लिए पहले क्वारंटीन किया गया और फिर क्रॉल में रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंच व्हाइट टाइगर को क्रॉल से मुख्य बाड़े में रिलीज कर पर्यटकों को नई सौगात देंगे। चिड़ियाघर में आगमन पर सीएम योगी तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी करेंगे। तेंदुए के बच्चे चिड़ियाघर के अस्पताल में रखे गए हैं। इसके साथ ही चिड़ियाघर प्रशासन की तैयारी कानपुर चिड़ियाघर से लाए जा रहे 2 हिमालयन ब्लैक बियर भालू को भी मुख्यमंत्री के हाथों बाड़े में रिलीज कराने की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में कानून व्यवस्था, विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की नजीर बनाने का साथ पशुओं के प्रति स्नेह भाव के लिए भी जाने जाते हैं। इसके पूर्व सीएम योगी 18 मार्च को गोरखपुर चिड़ियाघर आए थे, तब उन्होंने हर और गौरी नाम के 2 गैंडों को केला खिलाया था। सीएम ने दोनों गैंडों को प्यार से उनका नाम लेकर बुलाया तो वे बाड़े में उनके पास आ गए थे।